जो मिलिट्री है वो भी पहुंचने लग रही है, और जो बैरिकेडिंग है, कंटेनर है या फिर सीमेंट के पत्थर है, या फिर बैरिकेडिंग की बात करा तो बहुत से ज्यादा बहुत संख्या में पहुंच चुके हैं। कितनी कितनी लेयरों लग रही है? खट्टर खट्टर ने न्यू कायदे दिल्ली सबकी है, इसकी कल्लाई कोनी ना इसका बाप की। ये सारे तोड़ देने, इन सारे नटा आ जाएंगे। ट्रैक्टर का बम्पर लगा रखे हैं, जेसीबी ले रहे हैं किसान नवम। अच्छा। सारा सामान नवर पे, मतलब उखाड़ दोगे सारा सौदा, पैड करेंगे इनका दरवाजा, पैड का जाएगा जब भी है। दिल्ली में है के दिल्ली में यार। सारे दर्शकों ने राम राम में मनजीत कोत है। साथियों फिलहाल हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे हाँ, दाता सिंह वाला खनौरी के पास में हाँ, और आप लोगों ने दिखाना चाहेंगे कि जो 2020 और 21 का आंदोलन था, किसान आंदोलन, जिन्होंने इतिहास में नाम दर्ज किया है, उसी प्रकार दोबारा फिर MSP का आंदोलन होने जा रहा है। और जो बैरिकेडिंग की बात करा या फिर पुलिस प्रशासन की बात करा, मिलिट्री की बात करा, आर्मी की बात करा, तो बिल्कुल बहुत सी मात्रा में यहाँ पहुँच चुका है। तो इस साइड से आपको दिखाना चाहेंगे कि जो मिलिट्री है वो भी पहुँचने लग रही है, और जो बैरिकेडिंग है, कंटेनर है या फिर सीमेंट के पत्थर है, या फिर बैरिकेडिंग की बात करा तो बहुत से ज़्यादा बहुत संख्या में पहुँच चुके हैं। तो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दाता सिंह वाला गाँव की ये तस्वीरें हैं, यानी इस साइड की बात करा नरवाना 22 किलोमीटर, जींद 62 किलोमीटर है, और इस साइड की बात करा तो ये पंजाब बॉर्डर है, तो पंजाब की तरफ है। तो साथियों आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि आखिर मतलब किस तरह किसान पहुंच पाएगा, क्योंकि पहले भी इस तरह की कई कई लेयर की बैरिकेडिंग करी गई थी, कई कई लेयर की बैरिकेडिंग किले लगाई गई थी, नुकीले पत्थर नुकीले जो औजार थे वो लगाए गए थे, पत्थर लगाए गए थे, लेकिन उसको भी पार करके किसान पहुँच चुके थे। लेकिन अभी जो मिलिट्री भी यहाँ पहुँची, आर्मी के जवान भी यहाँ पहुँचे, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि आखिर किसान किस तरह दिल्ली पहुंच पाएगा। किसानों का कहना है किसी भी हालत में हम नहीं रुकने वाले, किसान है, किसान दिल्ली पहुंच के। यहां से आपको दिखाना चाहूंगा कि जो कंटेनर है, पत्थर है, बैरिकेडिंग है, वो बिल्कुल मजबूती के साथ में उड़ा करी जान लग रही है, यानी जो प्रशासन है, हरियाणा सरकार है, बिल्कुल अलर्ट पर है। शासन प्रशासन जितने भी बॉर्डर है, चाहे शंभू बॉर्डर की बात करें, नोएडा दिल्ली बॉर्डर की बात करें, या दाता सिंह वाला जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है इसकी बात करें, तो बिल्कुल देख सकते हैं जो कंटेनर है और जो पत्थर है या फिर बात करा बैरिकेडिंग है, बिल्कुल मजबूती के साथ में करने लग रहा है। प्रशासन बिल्कुल मौके पर मौजूद है, और आप लोगों को दिखावांगे किस तरह ये जो कंटेनर है ये रखे जान लग रहे हैं, और जो पत्थर है, पत्थर के जो सरिये भी आपको दिखाई देंगे, 4-4 फुट के करीब ये सरिये भी लग रहे हैं, कि आखिर ये कहाँ से लाए गए हैं, किस तरह इनको लगाया जाएगा। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे बड़े बड़े सरिये भी इसमें यूज़ करे गए, क्योंकि जो प्रशासन की तरफ से भी बयान आया कि जो पहले 2020-21 का किसान आंदोलन था, उस जो किसान है, किसानों को रोकने के लिए यानी बहुत से पुख्ता इंतजाम करे गए हैं, यानी इंतजाम आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह किसानों को रोका जाएगा। यानी इस साइड पंजाब है ये, और पंजाब की तरफ से जो किसान आओगे उन किसानों को रोकने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। और अगर बात करें दिल्ली, यानी 13 तारीख को दिल्ली कूच के लिए किसानों ने आह्वान किया है, हालांकि सभी किसान नेता तो नहीं है, लेकिन उनमें से बहुत से किसान नेता है जिन्होंने ऐलान कर रखा है कि दिल्ली कूच हम जरूर करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन शासन प्रशासन और दिल्ली भी मीटिंग चली है, और चंडीगढ़ की बात करें तो जो हरियाणा के CM है अनिल विज को भी बुलाया गया, तो उस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि किसानों को रोका जाए। यानी कल की मीटिंग भी हुई है, और उसमें जो किसानों को रोकने की बात करी गई है, जो अम्बाड़ा के SP साहब हैं उन्होंने भी कहा कि हम सख्ताई से पेश आएंगे, यानी किसानों को वहाँ नहीं जाने दिया जाएगा, यानी जो शांति को भंग नहीं किया जाएगा। तो इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं, और ये जो बैरिकेडिंग आपको दिखाई दे रही है, ये आपको जो कंटेनर है, कंटेनर आए हुए हैं, या फिर बात करें पत्थर, जो पत्थर पुल में ब्रिज में लगते हैं वो आए हुए हैं, जो बैरिकेडिंग है, तो जो शंभू बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर भी जो कंटीले तार या नुकीले जो रोड में नुकीले इस तरह के कुछ इंतजाम करे गए हैं। तो किसान भी, किसानों का कहना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमें ज़रूर जावांगे। तो आपने दिखाना चाहेंगे आगे है जो नरवाना 22 किलोमीटर है, जींद 62 किलोमीटर, यहाँ से और कर ले, जूम कर ले, वैसे फुल जूम कर दे। तो
तो हरियाणा में आपका स्वागत है। इस साइड की बात करा हरियाणा है, अगर उस साइड की बात करा पंजाब है। ये हम बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और इस साइड से जो पंजाब के किसान हरियाणा में एंट्री करेंगे, हरियाणा से फिर दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो मतलब यहाँ रोकने की कोशिश करी जाओगी। प्रशासन ने भी बिल्कुल कहा कि हमें आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि जो पिछली बार का आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। 2020-21 की बात करें तो लगभग ये बताया जाता है कि मतलब इस तरह का आंदोलन आज तक नहीं हुआ, इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा गया, इतिहास में नाम दर्ज हुआ है। और देखते हैं किसान किस तरह जा पाते हैं। किसानों का भी कहना है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें निकल कर सामने आ रही। कल मीटिंग में बुलाया गया, चंडीगढ़ मीटिंग थी, तो उसमें जो तमाम नेता थे वो भी पहुंच रहे थे। किसान नेता राज्यवाल ने भी कहा कि हमें पहले भी राजनीतिक बताने की कोशिश करी गई, लेकिन हम किसान हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। MSP की लड़ाई है, MSP के लिए लड़ेंगे। जब तक MSP नहीं मिल जाती हम ऐसे ही कूच करेंगे, ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। तो देखिए पत्थर वगैरह आने लग रहे हैं, इन पत्थरों से रोका जाएगा, यानी कई जगह बैरिकेडिंग। अभी बात करें देखिए पत्थर हैं, ये पत्थर रह रहे हैं। और नरवाना की बात करें, नरवाना नहर पे भी पत्थर आ चुके हैं, इस बॉर्डर पे भी। और ये उजियाणा के पास में नहर लगती है एक, वहाँ भी जो बेलर का उजियाणा के पास में नहर है, उस नहर पे भी पत्थर आए हैं। ताकि जो नहर का और कोई लिंक रोड तो शायद दूर को पड़ता हो, लेकिन जो मेन रोड है, मेन रोड से कोई और एंट्री नहीं रहेगी। तो साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहे। और आपको ये देखिए, ये मशीनें आई है, मशीनों के साथ में पत्थर उठाए जा रहे हैं। और जो गड्डी थाना के जो प्रशासन है वो भी मौके पर मौजूद है। शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि कहीं ना कहीं बात सिरे चढ़े, बातचीत से निकलता। लेकिन जो कल की मीटिंग हुई है वो बेनतीजा रही है, कल की मीटिंग में कोई फैसला नहीं रहा है। तो बिल्कुल देख सकते हैं ये जो क्रेन है, क्रेन के साथ में पत्थर उतारे जा रहे हैं। पहले बहुत से प्रयास करे गए किसानों को रोकने लिए, किले गाड़ी गई, कंटीले तार लगाए, बैरिकेडिंग लगाई, कई कई लेयर की बैरिकेडिंग करी गई, लेकिन उसके बावजूद भी किसान दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन 13 तारीख की एक बड़ी कॉल की गई है, 13 तारीख को किसान किस तरह पहुंच पाते हैं। देखिए वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया पिछली बार, जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी दिखाया किस तरह पिछली बार का जो नज़ारा रहा, मतलब किस तरह रोकने के प्रयास किया गया। वाटर कैनन, आंसू गैस के जो गोले होते हैं वो दागे गए, यानी बहुत से प्रयासों के बाद किसान बड़ी मुश्किल से दिल्ली पहुंच पाए थे। और जो टिकरी बॉर्डर की बात करें, उन बॉर्डरों पर सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, जांसा बॉर्डर, मतलब किसानों ने वो घेर कर रखे थे। तो आज वही फिर दोबारा फिर वही आंदोलन होने जा रहा है। पहले भी इसी तरह आंदोलन चला था, कई बहुत से लोग बोलते हैं कि सभी किसान नेता इकट्ठे नहीं है, लेकिन थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस समय ये आंदोलन चला था 2020 में, उस समय भी बहुत कम लोग थे उस दिल्ली पहुँचने वाले, बहुत से कम लोग थे जो वहाँ जा रहे थे। लेकिन उसके बाद ही बहुत से लोग पहुँचे थे, यानी कई गुना जो स्टार्टिंग में चले थे उसके कई गुना लोग हैं फिर बाद में गए थे। तो उसी तरह हो सकता है अभी। राम राम जी, ठीक है। अच्छा कहाँ से हो आप? हम तो हरियाणा था। हरियाणा था? हरियाणा था। अच्छा, ये किसान जावेंगे पे खट्टर ने कहा हरियाणा भी जागा और आप हर लेंगे, आप ठा देंगे सारे ने बढ़ा ले दिहाड़े। ये देख कितनी कितनी लेरों लग रही है। खट्टर खट्टर ने कहा दिल्ली सबकी है, इसकी कल्ला ही कोनी ना इसका बाप की। ये सारे तोड़ देने, सारे नटा जगह ट्रैक्टर का बम्पर लगा रखे हैं, JCB ले रहे हैं किसान, नवम सारा सामान नवर पे मतलब उखाड़ दोगे सारा सौदा पाट करेंगे इनका। और बोल, अच्छा पिछली बार भी हरियाणा रात देकर गल्ला जाएगा। हाँ खट्टर का चेतावनी है, हरियाणा ने कहनी पीछे भी कौन है, हरियाणा को नहीं कौन था, हरियाणा पहला है पंजाब तय। अच्छा यह गारंटी है, आगे पाओगे मतलब आगे वो आगे के आगे लेकर ले जाएंगे टैक है। और बोलिए पुलिस स्टेशन पिछली बार पानी भी छोड़ दिया गया, आंसू गैस के गोले भी दागे, बैरिकेड भी छोड़ रुक गए थे, रुक गए थे के फिर रुकते भी नहीं आ। खट्टर चाहे मोदी हो की थोड़ी है दिल्ली, बस ऊपर तो बयान लाग रहे हैं, चाहे मनोहर लाल खट्टरी बात हो, अनिल विज की बात हो, या शासन प्रशासन की बात हो, मतलब जान नहीं दिया जाएगा इस तरह। देश का मोल करेंगे के पूछने वाला कोई नहीं, देश का मोल करा गई प्रशासन खट्टर और मोदी और।
दरवाजा पैड़गा जाएगा जद भी है दिल्ली ना के दिल्ली में यार हो दिल्ली में जिम्मेदार आगे हम दर सी पड़े सारी यार तो लोग ही पढ़ाए थे पहले नो यार दिल्ली दूर है क्या ना है ये बड़ी लोग है अब कांडियों की सब पे साधन हो गए दिल्ली दूर है दिल्ली रोज जावे रोज जावे अरे खट्टर तो हम बैम कर रहे हूँ लग रहे दाढ़े भरवान इनके इनकी खाड़ जरूर खड़ी करांगे जावांगे जरूर तेरा लो नूकर कह के तो खाली कल्ला खड़िया था इबे बल्लो आ जागे ठीक और सबने मेरा लैग जागा ये बारी के हो गए मां ले आ रहे अपने दोनों गए मेरा साल ले लिया हमने भी जद जावा दे नहीं सड़कियो जिन्नू गया नहीं अरे एक समय मेरा के गया न गांडू भी लिया भाई आज ने हट गया हम तो जावा थे जद भी नहीं बैठे तैयार और आज भी सारे बैठे हैं तैयार आज जमा पूरी तैयारी पे पूरी तैयारी पे बस बिल्कुल भाई जमा किसाना कहना की जावांगे जरूर चाहे कुछ हो जाए मतलब इस तरह की जो कई कई लेयर की बैरिकेडिंग पहले भी करी गई थी जिस थी तोड़ के किसान पहुंचे थे क्योंकि किसान ना इस तरह के मतलब ट्रैक्टर भी इस तरह के बनाए थे कि जो बैरिकेडिंग है उसको उखाड़ दिया गया उसको पाट दिया गया मतलब इस तरह औजार बनाए गए थे। तो साथियों आपने भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है और जो इस तरह शासन प्रशासन ये काम कर रहा है मतलब पहले क्या होता था कि लोग रोड रोकते थे तो ये क्यों रहा शासन प्रशासन रोड रोका है आम जनता को परेशानी हो रही है तो ये बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो साथियों इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपनी जो प्रतिक्रिया आपने जरूर देनी है। तो फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।